हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम कुछ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में पोटेंशियल एनर्जी का थ्योरी बता दिया था और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आज देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड रॉड के लिए पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना, रिंग के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना और फिर डिस्क के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना। ठीक, तो आइए पहले प्रॉब्लम कुछ करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास सपोज करो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का साइड है ए और इसके वर्टेक्स पे चार्जेस रखे हुए हैं तीन, जिसका चार्ज क्यू है और इनका मासेस जो है mm है, यानी मास भी क्या है इनके पास m है, m मास और चार्ज क्यू इक्वेटोरियल ट्रायंगल पे रखे हुए वर्टेक्स पे। ओके, अब क्या होता है कि ये जो हमारा चार्जेस है, सपोज करो ये यहां से यहां पहुंच जाता है, मतलब ये चार्जेस छोटे वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स से बड़े वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स पे आ जाते हैं। ठीक, तो जब ये यहां से यहां पहुंचेंगे तो ऐसे केस में बच्चों आपको वेलोसिटी बतानी है, यहां पे जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी भी बतानी है, यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी भी बतानी है और जब ये यहां पहुंचेगा तो ऐसे केस में इसकी वेलोसिटी जो भी ये आपको बतानी है। ठीक, इसकी जो ट्रायंगल है इस ए बी इक्विलेटरल है और साइड इसका टू है, आपको वेलोसिटी बतानी है। तो पहले ये कॉम्बिनेशन, बाद में ये कॉम्बिनेशन हो जाता है और जब ये बड़े वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स से पहुंच जाता है तो आपको वेलोसिटी बतानी है। ठीक, अब इसको करने के लिए आप देखो इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस जो लगेंगे वो एक दूसरे के साथ पेयर में कैंसिल आउट होंगे। जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो पेयर में ये दोनों कैंसिल आउट होगा, कौन सी फोर्स लगेगा कैंसिल आउट। ठीक, उसी तरीके से यहाँ कैंसिल आउट और यहाँ भी क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स कुछ नहीं लग रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। ठीक, इनिशियली ये रेस्ट पे थे, यानी कि ये जो अरेंजमेंट था ये चार्जेस इनिशियली रेस्ट पे थे, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों हो गया कितना, जीरो। लेकिन इस समय क्या है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है पोटेंशियल एनर्जी जानते हो कितना होगा, थ्री इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन व्हाट, इनिशियली साइड तो ए था और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तीन चार्ज पार्टिकल है तो थ्री इंटू व्हाट, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस इस कॉम्बिनेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, थ्राइस ऑफ व्हाट के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए। ठीक, एक वेरिएबल है यहाँ, एक सिंगल वेरिएबल है आपके पास और उसका नाम है क्या, वेलोसिटी, और एक सिंगल इक्वेशन आपके पास, इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम। अब मैं एक तीन प्रॉब्लम का सीरीज है वो आपको बता रहा हूं। सपोज करो आपके पास एक यहां चार्ज है क्यू वन और एक यहां चार्ज है क्यू टू। ठीक, ये फिक्स चार्ज है और ये अभी इनफाइनाइट रखा हुआ है, मतलब इनफाइनाइटली लार्ज सेपरेशन पर रखा हुआ है। इस चार्ज को हमने क्या किया बच्चों, वेलोसिटी दिया वी नॉट और ये चार्ज हमारा फिक्स है, इसका मतलब रेस्ट पे। अब जब ये इससे करीब आने लगेगा, ठीक, तो जैसे ये अभी तो इनफाइनाइट पे इंफिनिटी पे है, इनफाइनिटी लार्ज सेपरेशन पे है, लेकिन जैसे ये करीब आने लगेगा तो क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है क्यू टू, अगर आप इसको केवल ध्यान से देखेंगे तो इस पे फोर्स किधर की तरफ लगने लगेगा, इधर की तरफ लगने लगेगा। ठीक, अभी वेलोसिटी किधर है, इधर वेलोसिटी इधर की तरफ है इनिशियली और इस चार्ज का मान लो मास है एम, तो वेलोसिटी अभी इधर की तरफ है, इनफिनिटी लार्ज सेपरेशन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसके पास केवल क्या है, अगर एनर्जी के टर्म में बात करेंगे तो एनर्जी केवल कितनी है इसके पास, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। लेकिन जब ये जैसे आगे मूव करने लगेगा, मूव करेगा तो क्या होगा, इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, फोर्स इधर लगने का मतलब एक्सेलरेशन इधर की तरफ एक्ट करना होता है। ठीक, और वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी इधर की तरफ, और बच्चों आप जानते हो कि वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ होता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीडिंग डाउन होगी, यानी कि वेलोसिटी घटेगी
और घटते घटते किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये Q2 के बगल में मैक्सिमम मतलब दूरी तक जो आ सकता है ना, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ कैलकुलेट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक, ओके। थोड़ा सा इसका मैं आपको डायग्राम कैसे बता दूं, यहां पे आपके पास है चार्ज Q1 और मान लो ये Q2 यहां पहुंच गया, तो आपको ये R मिनिमम बताना है, यानी कि मिनिमम सेपरेशन जो इन दोनों के बीच में होगा ये बताना है। लेकिन इनिशियली जो Q2 चला था उसके पास वेलोसिटी v था और ये इनफाइनिटी लार्ज सेपरेशन पे था, फिर R मिनिमम की वैल्यू आपको बतानी है। तो फिजिक्स में यही कहता है कि जब ये इधर की तरफ चला तो वेलोसिटी था मतलब काइनेटिक एनर्जी थी, और ये यहाँ पे आके ये रुक गया, रुकने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा जो है आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और आर मिनिमम की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर, अब इसको देखो करेंगे क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अब मान लो इनिशियल स्टेट ये है, दिस इज व्हाट योर इनिशियल स्टेट आई एंड दिस इज फाइनल स्टेट, तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है पेयर में यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इस पे देखो क्या इधर की तरफ, इस पे क्या इधर की तरफ। अगर ये पूरा मैं सिस्टम मान लूं तो इस सिस्टम पे एक एक्सटर्नल जीरो है, यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, दैट कुड बी इक्वल टू के प्लस वन इनिशियली, yes there is velocity so there is kinetic energy which is half into m into v naught square। object jo hai infinite large separation se chala hai, yani ki yahan se chala hai na, aur wo infinite large separation pe electrostatic potential energy ho gayi zero, last class mein hum dekh kar chuke hain। finally kinetic energy is zero because object aakar ke yahan ruk jata hai ek instant ke liye, lekin yahan pe kya hua ki electrostatic potential energy ho gayi aur wo ho gayi k into q1 into q2 upon 1 R minimum। तो बच्चों there is a single equation and there is a single variable which is what R minimum, तो आप यहाँ से R minimum calculate कर सकते हो। ऐसे लिख देता हूँ मैं, R minimum की value होगी, R minimum would be what K into Q1 Q2 upon half into M into V naught square, this is what R minimum। ठीक, जैसा मैंने बताया कि ये three problems का series है, तो एक problem मैंने आपको बताया, अब दूसरा problem देखो आपको कैसे क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि चार्ज में क्यू वन है और दूसरा चार्ज है आपके पास क्यू टू, ठीक, ओके। ये अभी इनफाइनाइट से चला है और ये वाली पहले क्या थी, फिक्स थी, अब फिक्स नहीं है, ये फ्री है, फ्री टू मूव, और ये तो फ्री है ही, इसके पास इनिशियली वेलोसिटी है वी नॉट, इसका मास है एम, ठीक। हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि ये भी फ्री है तो जब ये इधर की तरफ आएगा तो ये भी चलना शुरू कर देगा, इसका मतलब दोनों चलने लगेगा, ठीक। अभी इसका पूरा फिजिक्स आपको समझाता हूं मैं, बट आप ये समझो कि अभी ये चलना शुरू किया इनफाइनाइट लार्ज सेपरेशन पे, चलना शुरू किया है, इसके पास अभी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है, ठीक। और फिर जब ये आगे चलेगा तो ये भी चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से, तो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा ये आपको बताना है। अप्रोच क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक। और उस इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी भी बताना है, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट दिस पोजिशन, ठीक। इस प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं, ये चार्ज है क्यू टू और ये चार्ज है आपका क्यू वन, इसके पास अभी वेलोसिटी है वी नॉट इनफाइनाइटली लार्ज सेपरेशन पे, और ये आपको क्या बताया था मैंने, इट्स ऑल्सो फ्री टू मूव, ओके। अब इसका पूरा फिजिक्स आप समझने पहले, जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो जिसके पास वेलोसिटी है, तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो जो Q1 होगा, ये अलग से बना लेता हूँ डायग्राम मैं, ये देखो Q2 है
और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पहुंच गया। अब देखो इस पे क्या फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इस पे क्या फोर्स इधर की तरफ लगेगा, इसकी वेलोसिटी सपोज करो अभी क्या हो गए सब वी हो गए, ये वेलोसिटी इधर फोर्स इधर तो एक्सेलरेशन इधर ओके। और इस पे क्या है ये रेस्ट पे था फ्री टू मूव है बट इनिशियली इट वाज एट रेस्ट सो ड्यू टू दिस फोर्स दिस विल गेट व्हाट एक्सेलरेशन ठीक। और इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा कि इस पे वेलोसिटी आगे की तरफ आएगी। अब आप ध्यान करो आपको मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीडिंग अप होता है, वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर तो बच्चों स्पीडिंग डाउन होता है ठीक। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है और इसमें एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वेलोसिटी इधर की तरफ आ जाती है और इस ऑब्जेक्ट का क्या होता है चूंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम हो जाता है तो स्पीडिंग अप होता है ठीक। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है ये वाला चार्ट इसके पास इनिशियली वेलोसिटी इधर थी बट फोर्स इधर आ गया तो फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन इधर आ गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर की तरफ वेलोसिटी इधर की तरफ इसका मतलब इसका स्पीडिंग डाउन होगा तो इसका मतलब इसका जो है स्पीडिंग डाउन होगा बट इसका स्पीडिंग अप होगा क्योंकि इसके पास क्या होगा फोर्स इस पे फोर्स लगा फोर्स की वजह से क्या आएगा एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है रेस्ट पे है लेकिन जैसे ही आगे मूव करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी घटेगी और इसकी बढ़ेगी, इसकी क्या होगी घटते घटते इसकी बढ़ते बढ़ते जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी इक्वल हो जाएगी तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस होगा उनके बीच का दैट वुड बी आर मिनिमम। देखो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल बट इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द काइनेमेटिक्स सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब देखो क्या होगा अब ये आपके पास है क्यू टू और ये क्या है क्यू वन। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बहुत आसान है यार सिंपल अगर दोनों के बीच में वेलोसिटी क्या हो गई बराबर हो गई वेलोसिटी दिस इज व्हाट आर मिनिमम एंड दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड है ना। बट द मेन थिंग इज व्हाट कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट अगेन आई एम रिपीटिंग इनिशियली इट हैज वेलोसिटी इट हैज नो वेलोसिटी इट मींस इट्स मूविंग एंड इट्स नॉट मूविंग है ना। सो इट हैज वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ व्हाट क्यू टू बट आफ्टर सम टाइम इट विल experience force in this direction, velocity is along this direction. Due to this force, acceleration will be what? Along the left hand direction. Now you can see that velocity and acceleration are opposite to each other. It means it will have what? Speeding down. Iske paas speed ghatega and initially it has zero velocity. But in due course of time there will be what? Force along this direction. So it will experience what? Acceleration along this left hand direction and in due course of time it will have what velocity so its velocity will increase its velocity will decrease iski ghatte ghatte aur iski badhte badhte jab velocity barabar ho jayegi us case mein jo distance hoga that is what r minimum okay aur isko calculate karna bada aasan hai। to pehle to kya tha bhaiya ye q2 jo tha hamara wo infinitely large separation pe tha theek ye q2 hai ha ye q1 hai aur ये q2 ठीक ये क्यू वन सॉरी ये क्यू वन। तो सबसे पहला नंबर वन चूंकि एफ एक्सटर्नल इज जीरो बिकॉज अगर पूरे सिस्टम पे देखोगे तो क्या हो रहा है इस पे फोर्स इधर इस पे फोर्स इधर तो अगर मैं पूरा सिस्टम ले लू तो पूरे सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया। अगर ये पूरा सिस्टम देखोगे तो इस पूरे सिस्टम पे क्या हो रहा है एफ एक्सटर्नल इज नॉट जीरो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स and internal forces cancel out in pair so you can apply conservation of energy so ki equals to ef so ki plus ui equals to kf plus uf k plus what uf initially since charge q1 was at infinity and it was moving with velocity so it has the kinetic energy half mc not square its potential energy is zero because it's at large separation ओके okay, नाउ दोनों के पास क्या होगा कि वेलोसिटी आ जाएगी जो कि कॉमन होगी। एक बात बच्चों ध्यान रखना इसका मास सेम है इसका भी मास सेम नहीं ले लो आप सेम मास ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इसकी और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सॉरी
electrostatic potential energy, which is K into Q1, Q2 upon R minimum. Now you can see that there are two variables. Before this problem, there was a single problem, single variable. So a single equation was sufficient to calculate the variable. But here what is happening? You have two variables, V as well as R minimum. Two variables. So we need to establish another equation. And the better thing is what? F external is zero. So since F external is zero, therefore you can also apply what? Conservation of linear momentum. And what is that, sir? Initially, this Q1 has velocity, so its linear momentum is up, can be not. ये जीरो रुका हुआ था, इनिशियली ये रुका हुआ था ना, रेस्ट पे था, तो इसकी मोमेंटम हो गई जीरो. और फाइनली दोनों की क्या हो गई? वेलोसिटी वी वी हो गई. ठीक, तो यहाँ से आपको वी निकल गया, दैट इज व्हाट सर वी नॉट बाय टू. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू एंड सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. ये वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ जो हमारा ये दे रखा है यहाँ पे डाल दो, ठीक, और वेलोसिटी की वैल्यू डाल के आर मिनिमम आप कैलकुलेट कर दो. तो मैं कर ही देता हूं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, वी इज वॉट वी नॉट बाई टू प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन फॉर आर मिनिमम. और यहां अब आपके पास एक सिंगल इक्वेशन है, आर मिनिमम आप कैलकुलेट कर लो एंड दैट वुड बी योर आंसर. सेम सेकेंड प्रॉब्लम. अब थर्ड प्रॉब्लम है जो कि आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको ये क्वेश्चन रिपीट होता है ना, वो प्रॉब्लम आपको मैं यही बता देता हूं. सपोज करो आपके पास दो चार्जेस हैं, यहां सपोज करो क्यू टू है और ये आपके पास क्यू वन है, ठीक. इसके पास इनिशियली वेलोसिटी है वी नॉट और ये अगेन इनफाइनाइटली लार्ज सेपरेशन पे है. ये Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है बच्चों, सपोज करो ये d है, ठीक, इसका मास m है, इसका भी मास सपोज करो m है, ये वाला आपका फिक्स है और ये ऑब्वियसली वेलोसिटी है, सो इट्स फ्री टू मूव. अब आपसे कह रहे हैं कि जब ये यहां आएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ये आएगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? ये रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि Q1 जो है कुछ इधर चला जाएगा. तो ये जो मिनिमम सेपरेशन होगा आर मिनिमम या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आपको अगेन बताना है. इसका मतलब आपसे कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा वो बताओ, ठीक. ये शानदार प्रॉब्लम है, आइए इसको मिलजुल के करते हैं साथ. ये डिस्टेंस इनिशियली दे रखा था हमें डी, ठीक. अब देखो होता क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में. आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन रनिंग एक्ट करता है. मान लो ये क्यू वन यहां पर पहुंच गया, जब यहां पे पहुंच गया बच्चों तो ध्यान दो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ठीक. इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है, इससे मतलब आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक. ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. यहां इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी? वी नॉट थी और हमने पहले ही बात किया था कि ये जो चार्ज है ये फिक्स है. तो चूंकि एफ एक्सटर्नल इज जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू लिख सकते हो के प्लस यू आई. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू, दोनों का मास करने क्या दिया था? सेम दिया था, हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, ठीक. और ये इनफाइनिटी लार्ज सेपरेशन पे था, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो. उसके बाद जब ये यहां पे पहुंचता है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, जैसे आपको मैंने बताया था, यहां आएगा और ऐसे घूम जाएगा. सो दिस इज व्हाट, यहां पे जब ये क्यू वन आएगा
तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल टू ट्रेजेक्ट्री होगी, है ना, ये घूम जाएगा ना ऐसे ऐसे, तो ये आपकी क्या है, आर मिनिमम है, और यही निकालना भी था। तो इस पर्टिकुलर पोजिशन पे जब ये यहां पहुंचता है, तो इनिशियली अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो हमने लिख लिया, फाइनली अगर बात करते हैं हाफ इंटू एम इंटू डी ए स्क्वायर, ठीक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन बच्चों ये डिस्टेंस हुआ आर में। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब इसको आप एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा अगेन यू हैव टू वेरिएबल वी एज वेल एज व्हाट आर मिनिमम। तो आपको दूसरा इक्वेशन स्टैब्लिश करना होगा बच्चों। अब ध्यान दो यहाँ पे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पता लगेगा कि बच्चों जब ध्यान दो, जब यहाँ पे है और यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव कर गया, जब मूव कर गया तो फोर्स इधर की तरफ, ठीक, फोर्स इधर की तरफ क्योंकि लाइन रनिंग द सेंटर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट काम करता है, फोर्स इधर की तरफ है बच्चों, आर इधर की तरफ, आर इधर की तरफ, फोर्स इधर आर इधर। तो अगर हम टॉर्क का बात करते हैं तो नेट टॉर्क कितना हो गया, जीरो, क्योंकि बच्चों जानते हो गया कि टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है ना, आर क्रॉस एफ, तो इसका मतलब आर एफ साइन थीटा। अब थीटा यहाँ कितना है, आर और एफ के बीच में कितना एंगल है यहाँ पे, 180 डिग्री, तो थीटा 180 डिग्री है, इसका मतलब टॉर्क कितना हो गया, जीरो हो गया। और टॉर्क अगर जीरो हो गया तो एल आई इक्वल्स टू आप पहले यूज कर सकते हो, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप यूज कर सकते हो, क्लियर है बच्चों। ध्यान दो किसी भी जगह पे, यहीं पे नहीं, यहाँ पे देखो क्या फोर्स इधर की तरफ लगेगा, आर इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, अगेन क्या टॉर्क जीरो। तो आप किसी इस पूरे लाइन पे अगर आप देखोगे तो हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, टॉर्क जीरो है, साथ एल आई इक्वल्स टू एल एफ यूज कर सकते हो। इनिशियली इसके पास क्या मास m है, वेलोसिटी v नॉट है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, d है, तो m v नॉट इनटू d, m v r, एंगुलर मोमेंटम होता है अबाउट अ पॉइंट नॉट अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस क्या होता है, i इनटू ओमेगा होता है। तो सिंस यहाँ पे क्या है, आपके पास एक पॉइंट मास है जो कि क्या हो रहा है बच्चों, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट आप लिख रहे हो क्या एंगुलर मोमेंटम, तो m into v नॉट इनटू d, दिस इज व्हाट v नॉट इनटू, और जब यहां पहुंच गया तो क्या होगा सर, यहां होगा m इंटू वी क्योंकि वेलोसिटी विल चेंज, m इंटू वी इंटू व्हाट, r मिनिमम, ठीक। अब ये आपका इक्वेशन नंबर टू है। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अब यहां से क्या करो, वेलोसिटी निकाल लो, इसमें डाल लो, तो आपको r मिनिमम आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये तीन प्रॉब्लम का सीरीज था, ओके, और ये तीन प्रॉब्लम हमने कर लिया, ठीक है। और आप आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उससे रिलेटेड हम अभी देखते हैं वो होगा आपका रॉड के लिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक, उसके बाद रिंग के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर डिस्क के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक, और फिर और ढेर सारी प्रॉब्लम। आपको पहले भी फील्ड पढ़ाते समय मैंने बताया था कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो बेसिकली वेक्टर कॉन्सेप्ट था, है ना। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बच्चों, वो वेक्टोरियली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया था। अगर हम स्केलर फॉर्मेट में बात करते हैं तो फिर ऐसे केस में अब कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या, वो समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक, और चूंकि ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो डिफरेंस के टर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी डिफरेंस के टर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब अगर मैं वी ए माइनस वी बी लिखू तो ये होगा यू ए माइनस यू बी अपॉन व्हाट, क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, ये होता है, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, और यह हमेशा डिफरेंस के टर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास दो चार्जेस हो, सपोज करो, या एक छोटा सा टॉपिक है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक
potential due to a charge, due to a point charge, point charge at a point, किसी point पे, जैसे आप याद करो electric field आपने calculate किया था किसी point पे, वैसे ही आपको क्या करना है, electric potential किसी point पे calculate करना है. I mean to say, कि suppose करो आपके पास एक charge है Q1 suppose करो, है ना, और इसकी वजह से आपको किसी particular point पे calculate करना है electric potential. तो यहाँ एक चार्ज हमने ले लिया, सपोज करो अपने मन से मैंने ले लिया, ये डिस्टेंस है हमारा सपोज करो आर, इस चार्ज की वजह से ये पॉइंट पी पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. ठीक, अब इसको करने के लिए क्या किया कि मैंने यहाँ अपने मन में एक चार्ज Q2 प्लेस कर दिया. ठीक, और अब इस Q2 को क्या करता हूँ, मैं लेके चला जाता हूँ कहाँ पे, इन्फिनिटी लार्ज सेपरेशन यानी इन्फिनिटी पे लेके चला जाता हूँ. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सर हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यूपी माइनस यू इन्फिनिटी वो कितना होगा बच्चों, वो होगा के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर. ठीक, क्योंकि यू इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो होता है ना, इन्फिनिटी इन्फिनिटी भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है. तो अगर मैं पोटेंशियल का बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बट एक्चुअली वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, सो दैट वुड बी वीपी माइनस पी इन्फिनिटी एंड दिस वुड बी व्हाट, यूपी माइनस यू इन्फिनिटी अपॉन विद चार्ज Q2, बिकॉज वी आर डिस्प्लेसिंग चार्ज Q2. सो यूपी माइनस यू इन्फिनिटी तो हमें पहले ही पता है कि Q1 Q2 अपॉन कितना है बच्चों, आर है, इंटू व्हाट Q2, Q2 Q2 कैंसिल आउट हो गया, सो K इंटू Q1 बाय व्हाट R, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे भी जीरो होता है. तो फाइनली वी गॉट व्हाट पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड दैट इज व्हाट K Q1 अपॉन R. तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, तो जनरलाइज करके ये बोलूंगा कि अगर कोई आपके पास सपोज करो चार्ज है, पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहते हो, जिसका डिस्टेंस कितना बच्चों आर है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी वुड बी व्हाट, के क्यू बाय आर. एक और बात ध्यान रखना कि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होगा और पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो ऐसे केस में वीपी वुड बी व्हाट, माइनस के क्यू बाय आर. सो सिंपल. अब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी अप्लाई कर सकते हो. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ होगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कितनी बार पढ़ चुके हो आप, पहले SHM में पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके बाद वेव्स में पढ़ा, फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा और आपको पोटेंशियल में देख रहा हूँ. ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई अगर एक पॉइंट है, ठीक, और इसके विसिनिटी में ढेर सारे चार्जेस रखे हुए, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ये डिस्टेंस बच्चों R1 है, ये डिस्टेंस मान लो R2 है और ये डिस्टेंस क्या है, R3 है. तो चूंकि जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी व्हाट, जो नेट पोटेंशियल किसी पॉइंट P पे, तो VP वुड बी व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है. तो सारे चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पे सबको ऐड कर दो. सो सिंपल, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल. बट इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक कोरिली जोड़ते थे, यहाँ स्केलर क्वांटिटी है, तो आप स्केलर तरीके से जोड़ोगे. अब सिंपल कुछ प्रॉब्लम देखो, जैसे मैं बताता हूँ, मान लो कि आपके पास क्या है, एक पहले सपोज करो ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल है बच्चों, ठीक, यहाँ एक चार्ज है क्यू और यहाँ एक चार्ज है पी पॉइंट पे, आपको निकालना पोटेंशियल, ये मान लो डिस्टेंस ए ए, तो वीपी आपको कैलकुलेट करना, सो सिंपल सर, इसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल दोनों जोड़ दो, खत्म था, यानी वीपी उड बी वीवन प्लस वीटू एंड V1 एंड V2 इज व्हाट, सेम K इंटू क्यू अपॉन व्हाट A प्लस K इंटू क्यू अपॉन A, सो इट्स 2KQ अपॉन A आंसर. ठीक, मान लो मैं बोलूं कि आपके पास एक स्क्वायर है, क्लियर, यहाँ चार्ज प्लस क्यू, यहाँ चार्ज प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ माइनस क्यू, और मैंने बोला कि आप एक काम करो, सेंटर पे आप क्या करो,
सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, बी सी क्या होगा, ध्यान से देखो बच्चों। अगर साइड क्या है, ए है, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ कितना होता है रूट टू है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई रूट टू ए बाई टू, रूट टू ए बाई टू, इसका मतलब ये रूट टू हो जाएगा ये लेंथ। अब देखो इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल, यानी कि बी सी इक्वल टू वन, मान लो बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर, ये मान लो वन ले लिया मैंने, ये टू है, ये सपोज करो थ्री है और ये फोर है, तो बच्चों वी वन कितना होगा के क्यू अपॉन ए बाई रूट टू प्लस के इंटू क्यू अपॉन ए बाई रूट टू, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, डिस्टेंसेस सबके बराबर है, लेकिन इसकी वजह से माइनस और इसकी वजह से भी माइनस, इसका मतलब के क्यू अपॉन ए बाई रूट टू माइनस के क्यू अपॉन ए बाई रूट टू, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, तो कितना हो गया जीरो, इसका मतलब नेट पोटेंशियल जो होगा सेंटर पे वो कितना हो गया जीरो हो गया। ठीक, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल इसकी वजह से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव वाला प्लस वाले वो खा गया, सेंटर पे पोटेंशियल हो गया जीरो। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। और इस वर्ड के ऊपर लैम्डा चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ एक आपके पास पाइप भी है जिसका डिस्टेंस है बच्चों ए, इस रॉड की वजह से इस पाइप पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी कि बीपी पोटेंशियल बी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है इस रॉड की वजह से। ठीक, आप एक काम करो, ये डायग्राम मैं अलग से बना देता हूँ, ये देखो ये पॉइंट बी है, ये ए हो गया, एक छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप ले लो, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके ये डी एक्स आप ले लो और इस पे चार्ज है डी क्यू, तो बच्चों यहाँ पे वो डी क्यू कितना होगा लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये जो चार्ज है इसकी वजह से एक छोटा सा आपके पास चार्ज है, जैसा पहले भी बताया था मैंने आपको कि आप ध्यान दो आपको क्या नजर आना चाहिए, ये केवल चार्ज नजर आना चाहिए और यहाँ से डिस्टेंस क्या है एक्स है और चार्ज कितना है डी क्यू है, तो जो एलिमेंटल पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से बी पॉइंट पे दैट वुड बी व्हाट के इनटू डी क्यू अपॉन एक्स, तो के इनटू डी क्यू कितना बच्चों लैम्डा डी एक्स अपॉन व्हाट एक्स। ठीक, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो प्रॉपर लिमिट के साथ, कदम कहा जब इसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये x जो है इसका वेरिएशन कहां से कहां, क्योंकि v इक्वल्स टू आप लिखोगे तो दैट वुड बी k इनटू लैम्डा व्हिच इज कांस्टेंट टेक आउट फ्रॉम इट टेकिंग आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन dx अपॉन x, सो व्हाट वुड बी द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन a से लेकर के, अच्छा इस रॉड का लेंथ देना बोल दिया मैं बच्चों, रॉड का लेंथ है सपोज करो l। ठीक, तो ये एलिमेंट यहां से यहां तक वेरी कर सकता है, ये एलिमेंट जो मैंने यहां लिया है वो यहां से यहां वैरी कर सकता है, इसका मतलब ए से लेकर के ए प्लस एल तक वैरी कर सकता है, सो लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ए टू ए प्लस एल, सो वी वुड रिवर्ट के लैम्डा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए सो सी। तो ये तो था रड, अब बात करते हैं मरीन, फिर बात करते हैं डिस्क। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब आप सपोज करो आपके पास एक रिंग है और रिंग पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, इसका खुद का रेडियस है बच्चों आर, एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल बताना है रिंग की वजह से, सो रिंग की वजह से आपको पी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इट्स नॉट एक्चुअली न्यूमेरिकल है ना, इट्स प्योरली बेसिकली, तो रिंग की वजह से आपको पी पॉइंट पे क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है। बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा हम एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं एलिमेंट टू क्यू और डी क्यू, और ये लेंथ मैंने ले लिया मान लो सपोज करो डी एल, लेंथ इज डी एल जिसमें क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मैंने जो लेंथ लिया बच्चों दिस इज व्हाट डी एल, डी एल लेंथ का एलिमेंट ले लिया, डी क्यू चार्ज आया इसके ऊपर। ठीक,
ये यहां से इसको मिला दो, ये कितना वंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक चार्ज है डी क्यू और डिस्टेंस कितना है, कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, एलिमेंटल पोटेंशियल होती है डीवी इक्वल टू के इनटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट द एलिमेंटल पोटेंशियल। ओके, एंड डी क्यू एज यू नो इज व्हाट, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इनटू डी एल, lambda dl, so putting the value of dq, q into lambda into dl upon what, under root r square plus x square, this is what the potential। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, जोड़ देना है ये सारे एलिमेंट्स की वजह से हमें पोटेंशियल वहां निकाल लेंगे, खत्म कर। तो v इक्वल्स टू इंटीग्रल k into lambda into dl upon how much, r square plus x। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो, के लैम्डा बाहर निकल गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल कितना हो जाएगा बच्चों, टू पाई आर, और क्यू की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, लैम्डा होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टू पाई आर। तो वी इक्वल्स टू के इंटू क्यू अपॉन, लैम्डा की वैल्यू डाल दी मैंने, टू पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और इंटीग्रल डीएल इज व्हाट, टू पाई आर, तो टू पाई आर और टू पाई आर कैंसिल आउट हो गया, बचा किसका, बचा हमारे पास के इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। बच्चों इसमें ध्यान दो, अब इतना मैंने लेंथी किया है, अब इसको आप आसानी के साथ भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लैम्डा की जगह अगर चार्ज क्यू दे रखा हो जो कि दिया हुआ था, तो ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। आप क्या करते हैं यहाँ, सिंपली ये डी क्यू इंटीग्रेट हो जाता, मतलब ऑल्टरनेटिवली देखो एक लाइन में हो जाता है, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। डीवी इक्वल्स टू बच्चों लिखा था ना अभी, के डी क्यू अपॉन कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। ओके, अब अगर मुझे वी चाहिए तो सिंपली आई इंटीग्रेट a into r dq upon under root r square plus x square। बच्चों अपन ध्यान से देखो dq क्या है, क्यूब है, तो kq upon under root r square plus x square। एरिया क्या है ना, तो इतना लंबा चौड़ा करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना, बट फिर ठीक है, आप पूरे प्रोसेस के थ्रू गए। नेक्स्ट देखो कि ये जो मुझे एक्सप्रेशन मिला पोटेंशियल का, डी इक्वल टू कितना, kq upon under root आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको जो एक्सप्रेशन मिला, इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो कर दूं, इसका मतलब है एक्स जीरो होने का मतलब ये पॉइंट सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आने का मतलब पोटेंशियल कितना हुआ सर, के क्यू बाय आर शॉकिंगली क्या आ गया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कुछ ऐसा ही लग रहा है। यानी कि अगर आपके पास कोई रिंग है इस तरीके से, और आपको रिंग जो है यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसके ऊपर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे जो पोटेंशियल हुआ दैट इज व्हाट, के क्यू बाई आर, ठीक। ग्राफिकली भी इसको देख सकते हो आप, ग्राफ देखो क्या है, सेंटर पे क्या है पोटेंशियल मैक्सिमम है, उसके बाद टाइम ऑफ है, तो यहां भी मैक्स हो, और वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर, है ना, वी वर्सेस आर का ये ग्राफ, ठीक। अब हम देखते हैं डिस्क ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, चार्ज डिस्क, सपोज करो आपके पास एक डिस्क है ऐसे, एक्स डिस्टेंस पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और डिस्क है तो टू डायमेंशनल, सिग्मा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका रेडियस है बच्चों आर, ओके, ठीक। तो ये डिस्क है आपके पास, कुछ ऐसा आपके पास ये एक्सिस्टेंस है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना, मान लो ये की पॉइंट है, तो सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट बी पी, है ना। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला नंबर काम, ये एक काम करो आप, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, ये ऐसे आपने एलिमेंट ले लिया बच्चों, ठीक, ये आठ पे जा करके आपने दिया चौड़ाई का एक एलिमेंट ले लिया, ठीक, एलिमेंट है आपके पास, ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चों कितना होगा,
ये स्मॉल आर ये एक्स तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो चार्ज है इसके ऊपर चार्ज आएगा डी क्यू और डी क्यू की वैल्यू क्या होती है सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा डी ए की वैल्यू कितनी हो गई टू पाई आर इंटू के आर। ये बच्चों चार्ज होंगे आपका ठीक। और ये एक आपके पास एक रैकेट का रिंग है रिंग की वजह से अभी निकाला हमने पोटेंशियल उस फॉर्मूले में आप डाल दो। आपको ये क्या नजर आ रहा है ये रिंग ही तो है ये इस तरीके से रिंग है आपके पास ठीक। आर पे जाके ये रिंग क्या है डियर एक्स पे आपको निकालना है दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओके। हाँ बच्चों अभी हमने देखा डीवी इक्वल्स टू क्या था हमारा के इंटू डी क्यू अपॉन वॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही आप अप्लाई करोगे। डी क्यू आपको पता है डाल के इंटीग्रेट कर दो इसको पर डिवाइड तो डीवी इक्वल्स टू हो गया के इंटू सिग्मा इंटू टू बाई आर डी आर अपॉन वॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक। डीवी इक्वल्स टू जो कॉन्स्टेंट फालतू टर्म से बाहर निकाल लो के इंटू सिग्मा इंटू टू पाई बाहर हो गया इंटीग्रल व्हाट आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन का लिमिट चूंकि आर वेरी कर रहा है ये छोटा से बड़ा यानी कि सेंटर ये लिमिट यहां से लेकर के पूरा डिस्क हो सकता है समझो आर की वैल्यू जीरो से लेकर के आर की वैल्यू कैपिटल आर सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। अब आप ध्यान दो ये जो है इसका जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आपको सिखाया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको यूज करो इस वाला से इंटीग्रेट कर देता हूं मान लो आर डी आर अपॉन वॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करना आर इक्वल टू जीरो टू वॉट आर इक्वल टू आर है ना। तो इसके लिए क्या बताया था पुट वॉट टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसको क्या करो आप डिफरेंशिएट करो जब डिफरेंशिएट करोगे तो टू इंटू डी टी इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट है आर में वेरिएशन एक्स इज फिक्स बिकॉज यू वॉन्ट टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस दिस एट ए पर्टिकुलर पोजिशन एक्स एक्स इज फिक्स तो डिफरेंशिएट करोगे तो टू आर डी आर और प्लस ये हो गया जीरो टू टू कैंसिल आउट क्या बचा टी डी टी इक्वल टू आर डी आर एक चीज तो आपको ये पता होगा ओके। अब चूंकि हमने देखा टी स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर मान लो आर की वैल्यू हो गई जीरो तो टी की वैल्यू हो गई एक्स और अगर आर की वैल्यू ले लिया हमने आर तो टी की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक। तो अगर मैं इसको यहां डाल दो इसको मैं ले लेता हूं ए तो फ्रॉम ए ए से बच्चों क्या पता लगा क्या था हमारा आर डी आर अपॉन वॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आर की वैल्यू जीरो से लेके आर तक बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आर डी आर किसमें टी डी टी में कन्वर्ट हो गया ठीक। पर और नीचे कितना हो गया नीचे हो गया ये टी तो टी और टी कैंसिल आउट और टी का लिमिट कहां से कहां तक है टी का लिमिट है टी इक्वल्स टू एक्स से लेकर के क्योंकि ये एंटायर एक्सप्रेशन आपका टी में कन्वर्ट हो गया तो टी इक्वल्स टू हाउ मच अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन डीटी का इंटीग्रेशन होता है टी और लिमिट कहां से कहां तक है एक्स से लेकर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो इसको जब आप डालोगे तो कितना आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ठीक। ये मान लो मैंने इसको ले लिया बी अब इसको आप कहा यूज करो वन में ठीक। तो वन में तो इसका मतलब बी इक्वल्स टू कितना हो गया के सिग्मा टू पाई तो है ये और वो पूरा इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करके कितना आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओके। एक काम तो के की वैल्यू डाल दो क्या होता है
1 upon 4 pi epsilon naught, और ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स. ओके जो चला जा रहा है ले जाओ, काट के आएगा सिग्मा अपॉन टू पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ठीक, ये हो गया बच्चों पोटेंशियल डिस्क डिवाइस. ठीक है, तो ये बच्चों डिस्क की वजह से पोटेंशियल हो गई. ठीक, तो इतना कर लेते हैं आज. ठीक है, okay, thank you.